आईसीआईसीआई बैंक और उसकी बीमा कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने राजस्थान में बीमा पॉलिसी बेचने के लिए कमजोर वर्ग को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। फर्जी तरीके से जिन्हें बीमा पॉलिसी बेची गई उनमें गरीब, बुजुर्ग, विधवा, तलाकशुदा और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा हैं। कंपनी ने भोली बाई नाम की जिस महिला को पॉलिसी बेची वह मनरेगा के तहत मजदूरी करती हैं। धोखे से बेची गई बीमा पॉलिसी और पीड़ित भोली बाई की ये कहानी। क्या करते हो आप भोली बाई जी? नरेगा में काम करती हूँ। नरेगा में काम करती हूँ? कितना कमाती हो महीने का? महीने का 3,000 रुपया। ये है भोली बाई। भोली बाई विधवा है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। आमदनी का स्रोत मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी है। 2009 में पति के देहांत के बाद भोली बाई को भारतीय जीवन बीमा निगम से 60,000 रुपए मिले थे। भोली ने अगले कुछ साल मेहनत करके 40,000 रुपए और जोड़े। फिर 2013 में 1,00,000 रुपए की रकम लेकर भोली बाई आईसीआईसीआई बैंक पहुंची फिक्स डिपॉजिट करवाने। भोली ये रकम अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ रही थी, लेकिन बैंक कर्मचारी ने सिर्फ 50,000 रुपए की ही FD की और बाकी 50,000 रुपए की बीमा पॉलिसी बेच दी धोखे से। के एफडी कियो थे को पण ये बीमा चालू कर दीदा वो था भरोगा साल का 50,000 रुपया तो थाने पूरे पैसा मिलेगा और भरना ही पड़ेगा। तो मैं बोली को मैं 50,000 रुपया मैं नहीं भर सकती हूँ। ठीक है, मारे छोरा छोरी को पूरा नहीं हुए तो सही बात है, हमारी हालत नहीं है भरवा की, मैं नहीं भरू, मारा पैसा पूरे मिलना सही है। ठीक बात है। तो कोई ये के नहीं भरता है किस्त तो पैसा पूरे पैसा नहीं मिलता है। और कोशिश कर रहा है, 3-4 बार मुक्ति थी। आपने बैंक वाले को बताया कि आप तो विधवा हो और आपके आपके हस्बैंड नहीं है और आप नरेगा में काम करते हो? बताया आपने? फिर भी उसने मदद नहीं करा? फिर भी मदद नहीं करा तो उसे वापिस अबे अटे आना। तो जिसने जिसने करा था ये एक FD किया और एक बीमा किया वो अभी कहाँ पर है? वो बैंक में है? बैंक में नहीं है वे। अच्छा, बीमा किया नहीं, 6 महीना के बटो भाग गया। भोली को 2016 में पता चला कि बैंक ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। बैंक उन पर 50,000 रुपए के सालाना प्रीमियम का दबाव बनाने लगा। फिर भोली ने बीमा प्राधिकरण IRDA से संपर्क किया और लंबी भाग दौड़ के बाद रुपए वापस मिले। बैंक ने इस धोखाधड़ी पर न तो भोली को किसी तरह का मुआवजा दिया और न ही दोषियों को अभी तक कोई सजा हुई है। गो न्यूज की ये सीरीज देखते रहिए। हम आपको बैंक के फर्जीवाड़े की अन्य कड़ियों में कुछ और पीड़ितों की कहानी बताएंगे। गो न्यूज ब्यूरो।